अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से, दिल से। जिस तरह हवा को कोई रोक नहीं सकता, उस तरह विजय को रोकना भी मुश्किल है। दूसरी कहावत एक और कहूँगा इसी लाइन में जोड़ते हुए, कब हवा तूफान का रूप बदल ले तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल। तो आज की वीडियो है, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि बड़ा यूरोप देख रहा हूँ मैं आजकल इंडिया में और हर जगह आजकल मार्केट में दबा के नए नए चले चपाटे मार्केट में उठ रहे हैं, जिनके खुद की फाइल नहीं लगी होती और एक्सपीरियंस के बेस पे कहते हैं भाई ये वीज़ा लगा दिया वो लगा दिया। एक होता है लीगल तरीका और एक होता है बस भाई 10 लाख ले लिए और बस फाइल लग जाएगी, आपको कुछ पता नहीं होता। तो इसलिए मैं पूरी वीडियो शूट करूँगा, वीडियो बताऊँगा कि किस किस तरह सारा सेटअप होता है, सारा कहीं सारा प्रोसेस होगा। तो आ जाओ भाई, बैठ कर आराम से बात। तो अपना ये सारा सेटअप अपना खुद का ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट बेस पे आप किस तरह मार्केट में अपने पैर जमा सकते हैं। इस वीडियो में हम दो पॉइंट लेके चलेंगे, एक इन्वेस्टमेंट का और दूसरा यूरोप में पैर रखने का, ठीक है। तो भाजी बैठ। तो ये अपने पार्टनर हैं जो कि अब हमने मैंने बहुत से टाइम से कह रहा था कि भाई मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट है, 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। एक नॉर्मल प्रोजेक्ट है, एक ये सरप्राइज आपके लिए ओपन कर दिया ट्रांसपोर्ट का। तो जो इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और किस तरह क्या रहेगा प्रॉफिट वो भी मैं आपको एक चीज करूंगा क्लियर, एक एक आराम से बताऊंगा। थोड़ी वीडियो लंबी होगी तो आराम से सुकून से बैठ जाओ भाई, ठीक है। टीवी वगैरह बच्चों को शांत कर लो और टीवी बंद कर लो, ठीक है, विदाउट स्किप किए वीडियो ध्यान से देखनी है। तो इस पैकेज में हम दो पैकेज पॉइंट लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये है कि दुबई के अंदर आप किस तरह आप यहाँ से आके, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, यूरोप की कोई भी नहीं मिल रही है, ठीक है। वो आपको पता नहीं कि सिंपली पता है कोई भी फाइल लगा रहा है जिसने जिस कहते हैं ना कि है ना हरियाणा पंजाब में कहावत है कि पैदा होते हैं दिमाग में कीड़ा होता है कि भाई बाहर जाते हैं, एक आधा किला डिगा देते हैं, ठीक है। तो उसको पैसा एक तो कुएं में फेंक देना और एक आपको पता होगी किस किस तरह कैसे कैसे स्टेप से हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे वो आपको पता होना चाहिए। अब कोई इंडिया के अंदर एजेंट है भाई हम यूएस से भेज दें या हम कैनेडा की फाइल लगा दें, भाई इतना रुपये लगेंगे, फाइल का चार्जेस मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा नहीं होता, डॉक्यूमेंट करने पड़े उसमें से 80% कैंडिडेट से बंदा ले लेता है डॉक्यूमेंट, लेकिन उसको ये है कि मैंने इतना पैसा दे दिया हो जाएगा काम, आपको पता है कौन सा पैसा कहाँ लगा। इस सेटअप में आपको एक एक पॉइंट पता होगा कि आपका पैसा कैसे कैसे लगेगा। इंडिया से इस टाइम 100% में से मेरे ख्याल से 80% रेशो नहीं है यूरोप का जाकर, क्योंकि हर दूसरे घर में से बंदा अप्लाई कर रहा है। लोग दुबई का रास्ता क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि वो आसान हो गया और बहुत इजी प्रोसेस हो गया। तो अपने पंजाब में हरियाणा में इतने पढ़े लिखे 30 मार्का भी नहीं कि भाई हर बंदा आईलेट्स कर सके, ठीक है। घर वाले पैसा लगा देंगे लेकिन हमेशा इजी वे ढूंढ रहे होते हैं, तो आपके पास आज वो इजी वे। इस पैकेज में हम इस सेटअप में क्या करेंगे कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसपोर्ट का वीजा देना। अब कोई बंदा क्या कहता है, कई बार मेरे पास एजेंट होते हैं वो बोलते हैं कि जी हमें 2 साल का वीजा जा लेना, हमें सैलरी स्टेटमेंट बनानी है, ये करना है वो करना है, ठीक है भाई। ये सिर्फ ऊपर ऊपर के मिट्टी जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी के ऊपर धूल चढ़ गई, बस वही काम है। अंदर कैसे करना है, आगे का प्रोसेस कैसे करना है, स्टेप टू स्टेप चलना कैसे है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। कि अभी हम इंडिया से किसी बंदे को अप्लाई करते हैं, किसी ने अप्लाई किया उसको पहले हमने किस चीज का वीजा कैसे कैसे क्या प्रोसेस रहेगा, उसमें गाड़ी का नहीं होगा, आपका ट्राले का लाइसेंस जा रहा है कोई बंदा यूएस से जाएगा तो नॉर्मली उसने कार नहीं चलानी, ट्राले का वीजा लेके ट्राले का लाइसेंस एक्सपीरियंस लेके जाना, बिल्कुल ट्रेलर का लाइसेंस रहेगा। तो यहाँ पे आने के बाद कोई तीन चार महीने लगते हैं, 3 महीने का प्रोसेस। तो उसका हम उसका बैंक स्टेटमेंट भी तैयार कर चुके हैं सब कुछ उसका। तो उसमें क्या रहेगा भाई, इंडिया से आपने प्रोसेस स्टार्ट कराया, आपको आपकी होम कंट्री में आपके घर पे ही आपको 2 साल का वीजा आपको हम प्रोवाइड कराएंगे ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। कि आपको यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो आपको इंडिया से हायर कर रही है, अगर आपके पास लाइसेंस है ट्रालेगा तो बेस्ट है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ क्लासेस ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास इंडिया में लाइसेंस एक्सपीरियंस है तो वो प्लस पॉइंट हो जाएगा कि भाई आपने वहाँ ट्राला चलाया, ठीक है। उसके बाद आपको एक पॉइंट क्या हो गया कि भाई आप सीधा ट्रांसपोर्ट की कंपनी आपको दुबई में हायर कर दी, वो एक लीगल वे होगा, क्योंकि इमिग्रेशन हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर लास्ट तक चेक करते हुए किस किस बंदे को कैसे कैसे उसने क्या क्या किया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ आ गए ट्रांसपोर्ट का वीजा लेके, यहाँ पे आपका फिर फाइल ओपन कराएगा उसी पैकेज में,
ये पैकेज थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन क्या है कि भाई वहाँ 10 लाख रुपए देने से अच्छा है आपको पता होगा कि आपका 10 लाख में ले रहे भाई हम, ठीक है। पहले तो बात यहाँ पे कभी सुनते हैं आप सुनो भाई 10 लाख की बात कर दी भाई विजय भाई ने, नहीं हो पाएगा। तो 10 लाख का पैकेज नहीं है, सस्ता ही है। उसमें आपको मैं पैकेज बनाया हुआ मेरी टीम ने, वो आपको समझाएगी किस किस तरह। तो वीडियो में आपको इसलिए हर एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद बंदा यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ आने के बाद उसका हम रहना खाने का भी खर्चा उठाएगा उसी पैकेज में, कि भाई हाँ वहाँ आने के बाद तो वो सब चीज हम देख रहे हैं। उसमें ये भी नहीं है कि भाई आपको ये टेंशन लगे, चलो भाई विजय ने रहने का तो दे दिया, खाने का मेरा कैसे होगा, कितना खर्चा आएगा। भाई इस पैकेज में आपको आप बंद करके आपको एक अमाउंट बता दी जाएगी भाई कितना आपका टोटल खर्चा है, ठीक है। उस खर्चे में हम आपको पूरी जिम्मेदारी इंडिया से लेके उंगली पकड़ के यहाँ तक, और यहाँ से आपको उंगली पकड़ के चलाने तक, और चलाने से कहते हैं ना कि बाप बच्चे को पकड़ के बड़ा करना सिखाना चलना सब कुछ, तो ट्राले के अंदर बिठा के आपको स्टेडिंग पकड़ाने तक, और उसकी पहली सैलरी तक, पहली सैलरी तक पूरी जिंदगी का टेक्का तो हम भी नहीं डाल सकते। पहली यहाँ पे सैलरी, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका काम दुबई से, कि आपको सैलरी भी मिलनी शुरू हो जाएगी, राइट। उसके बाद आगे की फाइल लगाने तक हर चीज में हम आपके साथ हूँ। टाइम थोड़ा लंबा लगेगा ये, लेकिन कहते हैं सस्ते काम में भाई टाइम लगता है जी जी। या तो भाई किसी की क्या कर रहा है कैनेडा का प्राइस इंडिया में, कैनेडा में 20-25 लाख भी ले, या तो 20-25 लाख ले लो। अभी मेरे ख्याल से यूएसए का 30-35 लाख का पैकेज चल रहा है, वो भी 40-45, या तो 40-45 लगा लो, या फिर 40-45 का आप लगा लो 10-15%। 40-45 लगाने से अच्छा है भाई 40-45, जो बाप ने ना जमीन जमीन जोड़ी है, कोठी काठी ठोकी है, उसको छोड़ दो, उसे चलने से उसकी मेहनत लगी हुई है, तुम अपने बेस पे कुछ कर लो मेहनत पे। इसमें हम क्या करेंगे, आपको यहाँ आने के बाद रहना खाने का खर्चा हम हाउस में रहेगा, ट्रांसपोर्ट की तरफ से आपकी फाइल लगेगी, ठीक है। हमारे खुद के स्कूल वालों के साथ टाई अप होते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि भाई एक नॉर्मल बंदा जो फाइल ओपन करता है ना, उसके टाइम से और हमारे उनके साथ टाई अप होने की वजह से टाइम कम लगता है, और फाइलें जल्दी पास होने के चांसेस प्लस हो जाते हैं, क्योंकि हम उनके साथ सेटअप कर चुके होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, भाई हम महीने के तुम्हें इतने बंदे दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमको भी लालच होता है स्कूल वालों को, हमें रोज कितनी फाइलें मिल रही हैं। उसके बाद हम यहाँ पे 3-4 महीने के अंदर आपका लाइसेंस आपके हाथ में होगा। लाइसेंस मिलने के बाद सबसे बड़े पॉइंट लोगों को कहना, अब लोग बहुत से समझदार होते हैं कि भाई कहते हैं ना, कुछ कहते हैं कि समझदार जनानी ना घर की रहती ना बाहर की, ठीक है। तो वो भी है कावर में मारता रहता हूँ, इसलिए ना डायलॉग कम मारा करो भाई मेरे कमेंट्स में, ठीक है। अगली बार फिर मुझे वो याद करके तुम्हारे बोलने पड़ते हैं। तो उसमें क्या होगा कि ना बहुत से लोग यहाँ क्वेश्चन करेंगे भाई ये चीज तो हम भी कर सकते, पहले तो बात भाई आपको इंडिया बैठ के ट्रांसपोर्ट का वीजा ढूंढना पड़ेगा, और कोई ट्रांसपोर्ट का वीजा देगा तो कितने का मिल जाएगा नॉर्मली? नॉर्मली वीजा अपना लेने आओ कि जाओ, जैसे कोई बंदा कहता है ना कि मैं ही हूं जी, मैं इंडिया से, मुझे किसी एजेंट से काम नहीं कराना, ठीक है। अब वो कहता है कि भाई मैं ज्यादा समझदार हूं, भाई मैं अपना खुद का वीजा ले लूंगा दुबई में किसी कंपनी का, 10-11 हजार ट्रांसपोर्ट का वीजा। नॉर्मल वीजा तो अभी लोग कमेंट करने शुरू कर देगा 5-6 हजार में मिल जाती है, 8 हजार में। भाई को कंपनी पता कैसे होती है, एक कंपनी को ओपन की, 4-5 कोटे पास करे, सेल की कंपनी बन, उसका फायदा है। इधर स्कैम भी बहुत चल रहा है, ये चल रहा है, कंपनी लाइसेंस लेते हैं, कोटे पास कराए, वीजा सेल के बाद खत्म। उसमें आपके आगे फ्यूचर में कोई एलओसी चाहिए होगी, कोई और पेपर वर्क चाहिए होगा, कहां से लाओगे भाई? तो और वो काउंट भी नहीं होगा, तो ट्रांसपोर्ट का वीजा ट्रांसपोर्टर के आना, ऐसे पैसे नहीं लगा के बैठे भाई, ट्रक चला के ट्रक एक कोटा पास कराने के लिए पहले ट्रक दिखाना पड़ता है, उस पर इन्वेस्टमेंट दिखानी पड़ती है, आज हमारे पास इतने ट्रक खड़े हैं, इतनी गाड़ियां खड़ी है, उस बेस पे आरटीए की फाइलें लगाने के बाद कोटे पास होते हैं। कोटे इतने आजकल आसान नहीं हो गए लेने गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट दिखाती, गवर्नमेंट पूछती है भाई तुम कोटे को मांग रहे हो, तुम्हारे पास इन लोगों को हायरिंग करने के लिए, इनको काम देने के लिए कोई काम है, वर्क है तुम्हारे पास, कॉन्ट्रैक्ट दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। इतना आसान चीजें नहीं होती जितना लोग सोचते हैं, वहां बैठते हैं भाई सब चीजें आसान हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ बंदा आने के बाद फाइल ओपन होगा, उसके फाइल ओपन होने के बाद साल, कोई भी अगर बंदा अपना बेस पर लाइसेंस लेता है तो उसको साल भर से पहले कोई अपनी गाड़ी नहीं देगा, नहीं देगा, क्योंकि इंश्योरेंस नहीं होती। तो 6 महीने साल भर तक लाइसेंस लेने के बाद फिर धक्के खाओगे। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, लाइसेंस मिलते पहले दिन जिस दिन आप लाइसेंस लेके आओगे उसी दिन आपको गाड़ी प्रोवाइड कर दी जाएगी, भाई कमाओ, ठीक है। उसमें सैलरी क्या होती है, ट्रिप वगैरह ट्रिप के हिसाब से होती है क्या, अबू धाबी का कितना हिसाब से होती है, और उसकी बेसिक सैलरी होती है जैसे 1800 दिरहम होगी। नए बंदे को पहले दिन ही लाइसेंस मिलते, गाड़ी मिलते, पहले बात साल भर से पहले कोई देता नहीं। उसमें हम रिस्क उठा रहे हैं कि अगर गाड़ी लगा भी देता है बंदा तो इंश्योरेंस नहीं मिलनी, हमें अपने बेस पर अपने खर्चे में गाड़ी भी करानी पड़ेगी, ठीक है। उसमें 1800 से लेकर 3500 तक सैलरी मिलेगी ट्राले वाले की, प्लस उसमें क्या होता है पर ट्रिप होता है, अबू धाबी के चक्कर का अलग मिलता है, कमीशन मिलता है, ठीक है, शारजा विमान का अलग होता है, इस तरह चल रहा होता है। तो लड़का कितना निकालता है, 35,000 4,500 4,000 तक निकाल लेता हूँ।
लेकिन हमें नुकसान नहीं दे रहा, जब तक हमें नुकसान नहीं आएगा तब तक हम भी किसी बोलते हैं, लेकिन जब लगातार समझ आ गया कि क्या कहा भाई जी ने, क्योंकि भाई हमने यहाँ पे सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर की, क्योंकि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपके अकाउंट में ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हो, आपके अकाउंट की सैलरी स्टेटमेंट भी बन रही है और आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है, प्लस इमिग्रेशन के नजरों में ये आ गया। आगे आगे इसमें सब भी जैसे उसका वीजा वगैरह होगा, आप पंजाबी में बोलो, हिंदी में गुत्था गुत्था होने जितना पंजाब का भी वीजा होगा बंदे का, है ना, जो वीजा अच्छा होगा इमिग्रेशन दे जो प्रॉब्लम नहीं आऊगी उन्हें, और प्लस एक्सपीरियंस होता काउंट हो जाना बीच फिर होता इतना ये है भी असली साड़ी जितना हम फैमिली तो साड़ी ट्रांसपोर्ट इतने हैं, इधर साड़ी अमेरिका दे बीच साड़ी रिलेटिव्स दे है कि या कनाडा दे बीच है क्या, असली ना नू एलन में प्रोवाइड करवा देंगे। प्लस पॉइंट क्या कहा इन्होंने भाई, जिस तरह हमारी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है ठीक है और काफी 20 से 25 साल से मार्केट में अच्छे खासे लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, सरप्राइज दूंगा मैं अब ये सोचोगे कि भाई कहाँ है, आपको ग्राउंड फ्लोर भी दिखाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पूरा प्रॉपरली, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई हमारा क्या है कि एक ट्रांसपोर्ट का अपना ब्रांच यहाँ है और हमारे रिश्तेदार फैमिली है जिनका कैनेडा और यूएसए के अंदर ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ठीक है, तो वहां से हम लीविया प्रोवाइड कराएंगे, राइट जी। उसमें आसानी हो जाती है, टाइम तो जरूर लगता है पर यह भी बंदा लीगल तौर पर बंदा जाता है, तो मैं समझा देता हूँ शॉर्ट पॉइंट में, इंडिया से आप आगे ट्रांसपोर्ट के वीजा पे यहाँ आने के बाद आपका एक रिकॉर्ड हो गया, सैलरी ट्रांजेक्शन हो गई, इमिग्रेशन की नज़रों में आपको एक नज़रों से एक फाइल तैयार हो गई, भाई इंडिया से एक ट्रांसपोर्ट ने आपको हायर किया, आपका एक रिकॉर्ड तैयार हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सपीरियंस लेने के बाद होने के बाद यहीं से हमारी जो दूसरी ब्रांचेज हैं यूरोप के अंदर वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार करा के, भाई सिंपल सी बात है वो हमारी मर्जी है, हमारी ब्रांच है कि भाई हमने अपने एम्प्लॉई को जो हमारा परफेक्ट एम्प्लॉई है हमको किसी दूसरी कंट्री में अपनी दूसरी ब्रांच में भेजना है, तो इमिग्रेशन में हम उस बेस पर फाइल लगाएंगे कि भाई हमारे वहाँ पे स्टाफ को जरूरत है और हमारा एक्सपीरियंस वाला बंदा हम यहाँ से आपको भेज रहे हैं। तो वो लीगल तरीका आपको समझा दिया गया पूरा पॉइंट टू पॉइंट। अब इसके बाद करेंगे भाई खर्चे की, 40-45 लाख में देना थोड़ा कम आ जाता है, 30 भी नहीं देना और कम आ जाए, 20 और कम, 10 और बस फिर इसमें ना मेरी टीम से कॉन्टेक्ट कर, 10 से भी कम है, 8 से भी कम मुझे लग रहा है, बोली लग रही है 8 से भी कम, जैसे बढ़ती है ना भाई 8 से ऊपर, 8 बोलने 10 20, 8 से भी कम है, तो भाई इससे बेस्ट कोई ऑफर नहीं ला सकता। मैं कहा था ना जिस दिन मारेंगे धमाका मारेंगे, ठीक है, धूल ऐसे नहीं उठाई जा रही भाई मार्केट में, ऐसे पॉइंट लेकर आ रहा हूँ प्लस पॉइंट, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में बैठ के टाइम दिया जाता है कि भाई कैसे कैसे स्टेप टू स्टेप करना है, इसलिए कहा था भाई मैंने एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, पैसा भले हमारे इन्वेस्टरों का लग रहा है लेकिन पॉइंट प्लस लोगों का फायदा होगा। अब इसमें मैं इन्वेस्टरों के लिए भी कहूंगा कि भाई जिन्होंने ट्रांसपोर्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, टल्ले टुल्ले गिरने हैं, गाड़ियां गुड़िया गिरनी है, वो इन्वाइट है और अगली वीडियो में स्पेशली इन्वेस्टरों के लिए भी डाल दूंगा कि किस तरह आपको प्रॉफिट आएगा, किस तरह क्या रहेगा, तो ये वीडियो सिर्फ यूरोप जाने वालों के लिए, दो में याद रखेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए धमाके के साथ। Love it.